नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है देखते जाइएगा। यहाँ पर वीकली वेजेस फॉर ग्रुप ऑफ 100 पर्सन्स आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वीकली वेजेस दिया है। कितने पर्सन्स का दिया है, 100 पर्सन्स का। मतलब यहाँ पर ना जो एन है वो यहाँ पर दिया है 100। ओके, ये इसमें दिया हुआ है और उसके बाद ये डेटा दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि D3 फॉर दिस ग्रुप इज ₹1100, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। देखिए यहाँ पर D3 दिया है ₹1100, ये दोनों क्या है, गिवन है, ठीक। आपको क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए यहाँ पर एक ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और एक ये, ठीक है। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना उनको हम कंसिडर करेंगे। देखिए इसको कंसिडर करेंगे ए और इसको कंसिडर करेंगे बी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए और यहाँ पर बी, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी ए एंड बी। ओके, अब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7, फिर 7 प्लस ए, फिर 7 प्लस 25 करिए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 32 प्लस 8, 32 प्लस 30, 62 प्लस 8 प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए 62 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, राइट। तो आपको एन कितना मिला है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 62 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। आपको एन इतना मिला है और क्वेश्चन में एन कितना दिया है, 100 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिंस एन इज इक्वल टू 100, सो देयर फॉर, देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू 100 है, यहाँ पर एन का वैल्यू ये है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यहाँ पर 62 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 100। ओके, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 62, 62 को उधर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3। आपको क्या मिला, ए प्लस बी इज इक्वल टू 38। इसे आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि सिंस D3 इज इक्वल टू 1100, ये क्या है, गिवन है, राइट। तो अभी D3 का क्लास क्या होगा, देखिए ये जो D3 है 1100 ये किस क्लास में आएगा, 1100 देखिएगा इस क्लास में आएगा, है ना, 1000 टू 1500, ठीक। तो आपको D3 का क्लास मिल गया। तो यहाँ पर आप लिखिए कि D3 लाइज इन 1000 टू 1500 क्लास। ओके, फिर यहाँ पर लिखिए कि देयर फॉर एल इज इक्वल टू कितना, 1000, फिर F कितना, देखिए यहाँ पर 25, फिर CF कितना, 7 प्लस A, फिर H कितना, तो डिफरेंस कितना है 500 का, तो यहाँ पर लिख दिया 500। ओके, अब हम D3 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो D3 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3N अपॉन 10 माइनस CF। ओके, अब देखिएगा D3 क्वेश्चन में कितना है, 1100 देखिए यहाँ पर है ना, तो 1100 इज इक्वल टू L कितना, 1000 प्लस H कितना, 500,
एफ है 25 और यहाँ पर 3 इंटू एन कितना दिया है देखिएगा यहाँ पर 100, तो आप लिख दो यहाँ पर 100 अपॉन 10 माइनस सी एफ कितना है 7 प्लस ए, ठीक है ना। अब इसको आगे करिए, तो आप क्या करिए इस 1000 को इधर ले लीजिए, तो यहाँ पर 1100 माइनस 1000 इज इक्वल यहाँ पर ठीक है 25, 1025, 25, 2 50, यहाँ पर आ गया 20, ओके। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 00 कैंसल, 10 3 30 और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस 7 माइनस ए हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर माइनस ए, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 है ना इसको हम इस साइड ले लेंगे और यहाँ पर देखिए 1100 माइनस 1000 करिए 100 अपॉन 20 होगा क्योंकि 20 को हमने इधर ले लिया, इज इक्वल टू 30 माइनस 7 करिए 23 माइनस ए, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, 00 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर आ गया 5 इज इक्वल टू 23 माइनस ए। क्या करते हैं हम, ए को इधर 5 को उधर, तो ए इज इक्वल टू 23 माइनस 5, तो ए इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 23 माइनस 5 करिए आपको मिलेगा 18। देखिए ए का वैल्यू आपको क्या मिला, 18 मिला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस ए के वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे बी का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ पुटिंग ए इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 38, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर ए कितना है, 18 प्लस बी इज इक्वल टू 38, फिर बी इज इक्वल टू 38 माइनस 18, तो यहाँ पर बी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 यहाँ पर 2, मतलब बी का वैल्यू आपको क्या मिला, 20, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए के प्लेस पर 18 और बी के प्लेस पर 20, ओके। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है 18 और 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आंसर करके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 18 एंड 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द वीकली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट पर शॉप दिया है और नंबर ऑफ शॉप्स। फिर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडिल 60% ऑफ द शॉप्स। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मिडिल 60%, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा है 100%, ठीक है, ये पूरा क्या है 100%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिडिल 60%, मिडिल मतलब क्या, बीच का 60%। तो देखिए बीच का 60% क्या होगा, इधर 20%, इधर 20%, बीच में 60%, ठीक है। तो आपको यही निकालना है, ओके। तो अब आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आप डिसाइल्स निकालो या फिर परसेंटाइल्स निकालो, ठीक है। तो आप इसमें डिसाइल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर परसेंटाइल भी निकाल सकते हो। डिसाइल में यहाँ पर क्या आएगा, D2 आएगा और यहाँ पर D8 आएगा। अगर आप परसेंटाइल निकालते हो तो क्या आएगा, यहाँ पर P20 आएगा और यहाँ पर P80 आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे आप D2 और D8 निकालो या फिर P20 या फिर P80 निकालो, दोनों का ही आंसर सेम आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर P20 और P80 फाइंड करते हैं, ओके। आप चाहो तो D2 और D8 भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पर लिखिएगा,
वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, पी ट्वेंटी एंड पी एटी, राइट। तो अभी हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10, फिर 10 प्लस 16, 26, 26 प्लस 26, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 2 1 5, 52 प्लस 20 तो 2 72, 72 प्लस 20 कितना आएगा यहाँ पर, ये देखिए 92 आएगा, ठीक है। 92 प्लस 5 97, 97 प्लस 3 आपको मिल जाएगा 100, यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ गया 100, ओके। अब आपको कैलकुलेट करना है पी ट्वेंटी एंड पी एटी। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि फॉर पी ट्वेंटी, अभी पी ट्वेंटी के लिए हम क्या निकालेंगे, 20 n/100, राइट। तो 20 n/100 इज इक्वल टू 20 × n, कितना है देखिए यहाँ पर 100 आया है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 20। अब बताइए कि पी ट्वेंटी का क्लास कौन सा होगा, तो वहाँ पर क्या आया 20, तो ये हो जाएगा पी ट्वेंटी का क्लास, क्योंकि 20 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, अभी इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 26 है, तो ये हो जाएगा पी ट्वेंटी का क्लास, ओके। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि पी ट्वेंटी लाइज इन कौन सा क्लास है, 1000 to 2000 क्लास, ओके। तो यहां पर लिखिएगा सो दे आर फॉर एल इज इक्वल टू 1000, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, देखिए यहां पर इस क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या होगी 16, सी एफ क्या होगा इसके जस्ट ऊपर 10, और यहाँ पर h क्या होगा, डिफरेंस कितना है 1000 का, तो यहाँ पर 1000, ओके। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पी ट्वेंटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस h अपॉन f ब्रैकेट के अंदर 20 n/100 माइनस सी एफ, ओके। अब देखिए यहाँ पर L कितना है 1000 प्लस H कितना है 1000 फिर अपॉन, अब F कितना है 16, 20 n/100 कितना आया है 20 माइनस सी एफ इज 10, फिर 1000 प्लस यहाँ पर देखिए 1000/16 × 20 − 10 किया तो 10, ओके। 2 8 = 16, 2 5 = 10, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 + 5000/8 आ जाएगा, ठीक। अभी हम क्या करते हैं 5000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 48, माइनस किया तो 2, 0 को हमने लिख लिया, 8 2 = 16, माइनस किया तो 4, 0 को यहाँ पर लिखा, 5 कितना आ गया, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ 100 + 625, ठीक है। तो आपको पी ट्वेंटी कितना मिलेगा, प्लस करिए इसको 1000 + 625 तो 1625, मतलब 1625, ये आ गया आपका पी ट्वेंटी, ओके। फिर आपको क्या निकालना है, पी एटी, तो चलिए पी एटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर पी एटी, अभी पी एटी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, 80 n/100 इज इक्वल टू 80 × n कितना है 100/100, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर आ गया 80। अभी पी एटी का क्लास क्या होगा, देखिए 80 कहाँ पर आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, अभी इन दोनों में से बड़ा कौन 92, ये हो गया पी एटी का क्लास, ठीक है। तो एक बार आपको क्लास मिल गया तो ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा आपका सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि पी एटी
लाइज इन कौन सा क्लास है? तो देखिए 4000 to 5000 क्लास. सो देयर फॉर एल इज इक्वल टू एल आपको कितना मिलेगा? 4000. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी 20. फिर यहाँ पर सी एफ क्या होगा? तो 92 के जस्ट ऊपर 72. यहाँ पर एच क्या होगा? 1000. फॉर्मूला लगाइए. तो पी 20 इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा यहाँ पर L प्लस एच अपॉन एफ. फिर यहाँ पर 80N अपॉन 100 माइनस सी एफ. ओके अब L कितना है? 4000 प्लस एच कितना है देखिए 1000. फ्रीक्वेंसी इज 20. 80N अपॉन 100 कितना आया है? 80 तो 80 माइनस सी एफ इज 72. ओके फिर 4000 प्लस यहाँ पर 0 से 0 कैंसल 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यहाँ पर आपको मिला है 50. ओके 50 इंटू 80 माइनस 72 करिए आपको मिलेगा 8. ओके फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए 4000 प्लस 5 8 जा 40 यहाँ पर आ गया 400. दोनों को प्लस कर दीजिए आपको पी 80 मिल जाएगा. ओके ये पी 80 है 20 नहीं है. तो पी 80 इज इक्वल टू 4000 प्लस 400 4400. ठीक है तो आपको पी 80 मिल गया. सही है ना? आपको यही तो निकालना था पी 20 और पी 80. तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है आपको आंसर. क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लिखेंगे. फाइंड द लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% ऑफ द शॉप्स. तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखिए इसका आंसर आप लिखोगे द प्रॉफिट ऑफ मिडिल 60% ऑफ द शॉप्स lies between the limits. यहाँ पर देखिए कितना आया है 1625 आया है ना पी 20. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1625 ठीक है टू पी 80 आया है 4400. ओके दिस इज योर आंसर. यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो देखिए इसमें क्या दिया है इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑप्टेड. देखिए यहाँ पर आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस दिया गया है फिर नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले आप इसको देखिए यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है ना ये कंटिन्यूअस नहीं है. देखिए कैसे 72 74 फिर उसके बाद क्या आ रहा है 75. यहाँ पर 74 आना चाहिए था है ना लेकिन यहाँ पर क्या है 75 to 79 फिर उसके बाद एक बढ़ जा रहा है 80. फिर देखिए यहाँ पर 84 है फिर 85 हो जा रहा है. तो हमें ऐसे नहीं चाहिए. हमें कैसा क्लास इंटरवल चाहिए जो कंटिन्यूअस. ओके तो हम इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे. अब कैसे होगा देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना ये जो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसमें ना देखिए ये जो लोअर लिमिट है ना इसमें से हम 0.5 को माइनस करेंगे और ये जो अपर लिमिट है इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे. ठीक है यह आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा. याद करिए सीखा था ना. तो क्या करना है आपको 0.5 को इसमें से लेस करना है इसमें ऐड करना है. ओके तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
फिर यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 70 में से 0.5 को लेस करिए, आपको क्या मिलेगा, 69.5, राइट। टू, अब 74 में आप 0.5 को ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा बताइए, 74.5, राइट। क्या लिखा मैंने, 69.5 टू 74.5। फिर आप क्या करो, इस 75 में से 0.5 को लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा, 74.52। फिर इसमें 0.5 ऐड करो, तो आपको मिलेगा 79.5। फिर इसमें से आप लेस करो 0.5 को, तो आपको मिलेगा 79.5। फिर इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 84.5। ओके, फिर इसमें से 0.5 को लेस करिए, आपको मिलेगा 84.5, और इसमें ऐड करिए, आपको मिलेगा 89.5। ओके, फिर यहाँ पर इसमें से आप क्या करो, 0.5 को लेस करो, तो 89.5 फिर उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 94.5। ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, 95 है, तो 95 में से 0.5 को लेस करिए, आपको मिलेगा 94.5। फिर 99 में आप ऐड करो, तो आपको मिलेगा 99.5। ओके, फिर यहाँ पर है 100, तो 100 में से माइनस करिए 0.5 को, आपको मिलेगा 99.5। और फिर यहाँ पर 104 में क्या करिए, ऐड करिए, तो 104.5। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास इंटरवल क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, अभी हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो 40, फिर 45, 50, 60, 70, 80 और 100। ओके, अब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो देखिए 40 प्लस 45 आपको मिलेगा 85, 85 प्लस 50 तो कितना मिलेगा, 135 प्लस 60 तो 195 प्लस 70 तो आपको कितना मिलेगा, 265। ओके, 265 ही मिलेगा ना, 9 प्लस 6 16, यस। अब 265 प्लस 80 तो यहाँ पर 5, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पर 345 आ जाएगा। अब 345 प्लस 100 करिए, आपको मिलेगा 445, दिस इज योर एन, कितना आया, 445। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स, मतलब आपको उन वर्कर्स का परसेंटेज बताना है जिनका आउटपुट यूनिट्स कितना है, लेस देन 82। तो हम यहाँ पर जो परसेंटेज हमें फाइंड करना है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे एक्स परसेंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 यूनिट्स बी एक्स परसेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 82, राइट। पी एक्स का मतलब क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 82 का मतलब क्या, लेस देन 82। ओके, तो अभी यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 82, तो 82
देखिए यहाँ पर 82 का क्लास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा 82 कहाँ पर आ सकता है, इन दोनों के बीच में, राइट। तो ये मिल गया हमें इसका क्लास। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 82 लाइज इन कौन सा क्लास है, 79.5 to 84.5 क्लास, ओके। तो एक बार आपको क्लास मिल गया मतलब आपको L पता चल जाएगा, L कितना होगा 79.5, F कितना होगा देखिए यहाँ पर 50, फिर CF ये हो जाएगा 85, तो CF इज इक्वल टू 85। फिर यहाँ पर H क्या होगा बताइए, डिफरेंस कितना है, पाई का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पाई, ओके। अभी आप फॉर्मूला यूज़ करो तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एच अपॉन एफ, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स एन अपॉन 100 माइनस सी एफ, ओके। अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो पी एक्स इज 82, एल 79.5 प्लस एच 5, एफ इज 50, फिर x n कितना है, यहाँ पर हमने फाइंड किया था 445, तो यहाँ पर 445 अपॉन 100 माइनस सी एफ इज 85, ओके। अब क्या होगा देखिए, हम क्या करते हैं ना, इसको इधर ले लेते हैं, तो 82 माइनस 79.5 इज इक्वल टू 5 × 5, 5 × 10 = 50, यहाँ पर आ गया 1/10। फिर यहाँ पर देखिए दो जीरो है ना, तो इन दो जीरो को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अभी यहाँ पर आप पॉइंट मत लगाओ, नीचे लगाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, 4.45x माइनस 85, ठीक। अब हम क्या करते हैं देखिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 82 माइनस 79.5 करिए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 11 - 9 किया तो 2, यहाँ पर 0, कितना आया 2.5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.5, ओके। अभी आप क्या करो, 10 को इधर ले लो, तो 10 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर अपॉन में 1 लिखो या फिर ना लिखो। अब 4.45x माइनस 85, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, है ना, 2.5 × 10 करेंगे तो 25 मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस 85 है ना, तो जब हम इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 85 इज इक्वल टू 4.45x, ठीक। अभी प्लस करिए तो 5 + 5 = 10, 0 = 1, 8 + 2 = 10, 1 = 11, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 4.45 को ना इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा डिवीज़न में, क्योंकि जब ये उधर था तो मल्टीप्लीकेशन में था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो एक हम काम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाते हैं, चलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करती हूँ। देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 110/4.45 है, ठीक। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से इस पॉइंट को हटा देती हूँ तो क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा। अब 2 जीरो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये कितने डिजिट के बाद है, पीछे से देखिएगा 1, 2, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट यहाँ से अब हट चुका है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को ना 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 5 × 2 = 10, फिर इसमें से बन बचेगा 5 × 2 = 10, 2 जीरो, फिर यहाँ पर देखिए 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, फिर 5 × 9 = 45, ठीक। अब आगे कैंसिल कर सकते हैं क्या, चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं डिवाइड करती हूँ यहीं पर 2200 और 89, तो 89 × 2 अगर आप करोगे, इन तीनों को ले लो 220 को, ठीक है, 89 कितने टाइम में करना पड़ेगा आपको, 89 × 4 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम में करके देखते हैं, अगर हम 3 टाइम में करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 9 × 3 = 27,
कितना हो जाएगा 24 प्लस 267, अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ना ये टू टाइम में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू, तो टू नाइन ज़ा 18 कैरी वन, टू एट ज़ा 16 वन 17, माइनस करो आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 माइनस 8 किया तो 2, यहाँ पर 11 माइनस 7 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 को लिख लेते हैं। अब ये कितने टाइम में जा सकता है, तो 4 टाइम में जाएगा कि 5 टाइम में जाएगा, चलिए 5 टाइम में एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद हम 4 टाइम में इसको करेंगे। 5 नाइन ज़ा 45 कैरी 4, 5 एट ज़ा 40 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 टाइम में हमें इसे करना पड़ेगा। देखिए 4 और यहाँ पर 36 का 6 कैरी 3, फिर 32, 33, 34, 35, 356, माइनस करो आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 6 किया तो 4, 11 माइनस 5 किया तो 6, यहाँ पर 0, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा कि 7, एक बार हम 7 टाइम में करके देखते हैं तो क्या आएगा, कैरी 6, फिर 56 प्लस 6, 56 प्लस 6 कितना होगा 62, राइट। तो यहाँ पर 623 आएगा, हाँ तो ये 7 टाइम में जाएगा, क्या आएगा एक बार फिर से कर लेते हैं, कैरी आ गया 6 और 56 प्लस 6 57, 58, 59, 60, 61, 62, यस। माइनस करिए आपको मिलेगा यहाँ पर 7 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर 0, ठीक है। पॉइंट लगाए हम, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 89 टू ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 89 टू ज़ा, एक मिनट देखते हैं, 2 नाइन ज़ा 18 कैरी 1, 2 एट ज़ा 16, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 89 वन ज़ा, ठीक है, तो 89, मतलब ये ऐसे ना आगे करके बढ़ता ही जाएगा। तो आप क्या करो, अच्छा एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो 10 माइनस 9 किया तो 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 किया तो 8, ठीक है। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, 7 की 8, 7 टाइम में तो ये आया था, 8 टाइम में अगर हम इसको करें तो 89 इंटू 8 7 कैरी 64 प्लस 7, तो 64 प्लस 7 कितना होगा 71, राइट, 712। और फिर अगर हम 9 टाइम में इसको लेकर के जाएं तो 9 नाइन ज़ा 81 कैरी 8, फिर 9 एट ज़ा 72, 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 801, मतलब ये 9 टाइम में जाएगा, ओके, कितने टाइम में जाएगा 9 टाइम में, तो यहाँ पर 801 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आगे आता जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको क्या लिखोगे ना, 24 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 9 है ना, तो आप 72 करके लिख सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ और मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 24.72%, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर करके, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स इज इक्वल टू, क्या होगा 24.72%, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया, देख लीजिए आप इसको। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है ना, एक मिनट, आपको यहाँ पर आउटपुट यूनिट्स लिखना है, ठीक है, 82 आउटपुट यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में आउटपुट दिया है ना, तो आउटपुट यूनिट्स आपको यहाँ पर लिखना है, यूनिट्स
बी एक्स परसेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपकी तरह और भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो की हेल्प से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।